आज मैं बनाने जा रही हूँ रोस्टेड चिवड़ा नमकीन। ये नमकीन बहुत ही टेस्टी बनती है और जब कभी आपका हल्का फुल्का खाने का मन हो और आपको छोटी मोटी भूख हो तब आप इसे बना सकते हैं। तो फिर चलिए रोस्टेड चिवड़ा नमकीन को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ रोस्टेड चिवड़ा नमकीन। ये नमकीन बहुत ही टेस्टी होती है, तो आइए देखते हैं चिवड़ा नमकीन बनाने में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। रोस्टेड चिवड़ा नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 200 ग्राम चिवड़ा लिया है, ये देखिए। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर लिया है 10 से 15 बादाम, इसे मैंने दो टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर किशमिश ली है और थोड़े से मैंने यहाँ पर सूखा नारियल लिया है, पतले और लंबे टुकड़ों में कटा हुआ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर तरबूज का बीज लिया है और यह है 10 से 15 काजू, इसे भी मैंने दो टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ पर मैंने ली है एक कटोरी कच्ची मूँगफली, एक चम्मच अमचूर पाउडर लिया है, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, दो बड़े चम्मच पाउडर शुगर ली है, एक हरी मिर्च लंबे टुकड़ों में कटी हुई, नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग है, और यह है करी पत्ता, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च। तो आइए रोस्टेड चिवड़ा नमकीन बनाना शुरू करते हैं। रोस्टेड चिवड़ा नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर लिया है मैंने, और अब हम इसमें डाल देते हैं चिवड़ा और इसे लगातार चलाते हुए 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो ये देखिए चिवड़े को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और चिवड़ा रोस्ट करने के बाद मैंने कढ़ाई में दो चम्मच ऑयल गर्म कर लिया है, दो बड़े चम्मच। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कच्ची मूँगफली और इसे फ्राई कर लेंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए मूंगफली को मैंने फ्राई कर लिया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं बादाम और ये काजू, मिक्स कर लेंगे इन्हें भी और इन्हें भी फ्राई कर लेंगे लगभग 2 मिनट के लिए। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं किशमिश और ये तरबूज के बीज और ये सूखा नारियल, मिला लेंगे सभी चीज़ों को और 1 मिनट के लिए इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, ये देखिए। और अब इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च और ये करी पत्ता और अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर और ये अमचूर पाउडर, मिला लेंगे मसालों को। तो ये मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसमें ऐड कर देते हैं रोस्टेड चिवड़ा और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से सभी चीज़ों में। तो देखिए चिवड़े को मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, मिक्स कर लेंगे। और ये पाउडर शुगर, इसे भी मिला लेंगे। और अब हम गैस बंद कर देंगे और ये रोस्टेड चिवड़ा नमकीन बनकर तैयार है। और अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए
बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रोस्टेड चिवड़ा नमकीन बनकर तैयार है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।